हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी नया एक ब्लॉग शूट करने के लिए। वाओ, कुइमा 185 किलोमीटर। गाइस, एक दिन हम लोग कुइमा पे जाएंगे शूट करने के लिए। लोगों से पूछा इस तरफ जाना पड़ेगा, बेलूघाट इस तरफ ही है। बेस्ट वाटरफॉल, इतना मस्त है देखो। तो गाइस, हम नहाने गए थे, वो लोग नहाने नहीं दिया मुझे यार। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी नया एक ब्लॉग शूट करने के लिए। साहिल, कहाँ पे जा रहे हैं नया ब्लॉग शूट करने के लिए? वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं बेलूघाट वाटरफॉल। देखो गाइस, हमारा सेटअप, हम लोग गिम्बल, चार्जर, ओ माइक सब लेके आ गया। तबाही होगा आज गाइस। हम लोग निकल गया बेलूघाट की सफर में। 53 किलोमीटर अभी सफर करेंगे उज्जैन से बेलूघाट। हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए, अभी पेट्रोल डालेंगे। हमारा पास है MT15 में आप लोग 300 का तेल डालना, क्योंकि 53 किलोमीटर है तो रास्ता भी बहुत ख़राब है। आप लोग 300 तेल डालने से आप लोग उज्जैन से बेलूघाट, बेलूघाट से उज्जैन अप डाउन कर सकते हो। हम लोग चेक करने के लिए 200 का तेल डाल के बेलूघाट की सफ़र पर निकल गया था, तो आने का टाइम तेल ख़त्म हो गया, तो दुकान से हम लोग 1 लीटर तेल डाला था। उसके बाद हम लोग रिटर्न हो जाए आ पाए। हम लोग कुछ चेक करने से तो हम लोग उस टाइम वॉइस ओवर नहीं देते, बाद में वॉइस ओवर देते, इसलिए हम लोग आप लोगों को अभी बता पा रहे। आप लोग अब पहले से जान रही हो, पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ा, आप लोगों को पता चल गया। अभी पूरा वीडियो देखिए, बेलूघाट किस तरफ जाना पड़ता है वो भी पता चल जाएगा। In 200 meters, slide left onto National Highway 27. Take the next left onto National Highway 27. Continue on National Highway 27 for 6 kilometers. अभी जो मार्केट दिखा था वो निलवान की मार्केट थी। हम लोग निलवान को मार्केट को छोड़ के अभी हम लोग जा रहे हैं डबोका की बाईपास की तरफ। यहाँ पे हम लोग रुका है, सामने जो दिखाई दे रही है डबोका का बाईपास है। हम लोग कार्बेलोंग जाएंगे, तो कार्बेलोंग इस तरफ जाना पड़ता है। अभी हम लोग जाएंगे, आप लोग देखिए, कार्बेलोंग इस तरफ भी जाना पड़ता है, आप लोग अभी देखिए। गाइस, आप लोगों को जो बाईपास दिखाया था, अब हम लोग इस बाईपास से अभी जाएंगे, देखिए, तो आप लोग समझ जाएगा कौन सा बाईपास से जाना पड़ेगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं अभी। चलिए साहिल, चल। आप लोग तो देख लिया हम लोग किस तरफ से जा रही है, और आप लोग वो दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिनको पता नहीं उनको बोल दीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए, तो लोग हमारा वीडियो देख के जा सकता है। तो चलिए हम लोग जाते हैं। हम लोग इधर रुका हुआ है क्यों, तो मेरा छोटा मामा और मेरा कज़न एक भाई आने वाला है, वो लोग बोला था कल मेरे को फ़ोन करके, वो लोग भी शूट पर जाएगा। तो साहिल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बोले शुरू करते हैं। साहिल ने बोला अभी फोन करो उनको, कहाँ पे पहुँचा है, फोन लगाओ। देखो गाइस, फोन लग गया। हेलो हेलो ओ कोई
हम लोग अभी घर से निकल गए हैं, 10-15 मिनट के अंदर में पहुंच जाएगा जगह में। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे साहिल बहुत एक्साइटेड वो जाने के लिए, वो तरफ रही है, तुम लोग जल्दी आओ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जल्दी आ रहे हैं हम लोग। हाँ 10 मिनट में आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। गाइस गाइस वो लोग 10 मिनट में आ रही है, वो लोग बोला है निकल गया घर से, तो इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर होगा शायद, तो हाईवे है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम लोग इधर रुका है। ठीक है हम लोग इधर रुकते हैं। गाइस हम लोग इधर थोड़ा रुक रहे हैं, इसलिए सोचा थोड़ा खा लेते, पेट पूजा कर लेते, इसको आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में अमरा बोलते हैं इसको, तो आप लोग देख के समझ जाओगे क्या है ये, तो चलो खा लेते हैं, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। हम लोग सब अमरा बोल के ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं वो आज तक हमने यूज ही नहीं किया, तो हमें इसलिए पता नहीं है। दादा कुछ थी आंसर? दादा दुकान, दादा घर, दादा घर पूरा। हाँ ताते की गौस से। हाँ गाइस ये बोल रहे ये दादाजी के घर से लाया है, उसके उधर से मतलब पेड़ है पूरा बागान है, उधर से ला के इधर बेच रहे। ठीक है वो लोग भी अपना बिजनेस संभाल रहे, चलो खा लेते हैं अभी। साहिल कैसा लग रही है? हेलो ओ भाई आते सो भाई ये शुरू बता। हां नहीं उधर आप तो भी लगा सकते हो शायद। तो गाइस वो लोग आ रहे हैं अभी बाईपास पे है, वो लोग जो हम लोग ने उधर दिखाया था कि उधर रुक के दिखाया था ना इस तरफ जाते, तो इधर ही वो लोग हैं, वो लोग आ गया उधर से, मैं हम लोग बोला कि ये टर्निंग पे आ जाओ, तो वो लोग आ रहे हैं अभी, तो रुकिए थोड़ा वो लोग आ रहे हैं, दिखाता हूँ उन लोगों को भी। तो गाइस देखिए आ गया वो लोग, इतना लेट क्यों है भाई? नहीं लेट हो गया, थोड़ा रास्ते में पानी पी रहा था ना इसलिए। हाँ तो चलो अभी चलते हैं। गाइस इधर चेक पोस्ट है, आप लोग आने से हेलमेट लगा के आना इधर। गाइस एक कार्बेलोंग का गेट है, हम लोग कार्बेलोंग पहुंच गए हैं, तो देखिए वाओ कुइमा 185 किलोमीटर। गाइस एक दिन हम लोग कुइमा पे जाएंगे शूट करने के लिए, तो देखना हमारा वो भी वीडियो आएगा एक दिन। और क्या बोलते कार्बेलोंग का नज़ारा, हम लोग का सपोर्ट करते रहिए, साहिल बोल रही है हम लोग का सपोर्ट करते रहिए। अभी साहिल बाइक चला रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ। गाइस अभी हम लोग थोड़ा हवा दे दें क्योंकि हवा थोड़ा कम हो गया, और ये जो अंकल है अंकल से भी पूछ लेते हैं। कितना दूर है इधर से? अभी तो भाई किलोमीटर तो मेरे को मालूम नहीं है, अभी 6 किलोमीटर जैसा हो जाए डगमगा। नहीं आइडिया कौन सा? 18 किलोमीटर होगा नहीं क्या डगमगा से? 18 किलोमीटर ना डगमगा से, 18 किलोमीटर भीतर है ना, रास्ता सीधा सीधे नहीं है, 13 बजे का रास्ता है ना, सीधा नहीं है। हाँ गाइस आप लोग यहाँ से आते टाइम यहाँ ये मार्केट दिखाई देगा, ये बोलते हैं डकमोगा मार्केट, तो इधर से ये टर्निंग लेके जाना पड़ता है, चलो आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस अभी इस तरफ जाएंगे हम लोग, गाइस अभी इस तरफ जाएंगे, लोगों से पूछा इस तरफ जाना पड़ेगा, बेलूघाट इस तरफ ही है, तो चलिए हम लोग जाते हैं, अभी आप लोग को दिखाते हैं कितना जाना पड़ेगा पता नहीं। सर कितना किलोमीटर आ गया? और 18 किलोमीटर है गाइस। और 18 किलोमीटर अभी 36 किलोमीटर आ गया, 36 किलोमीटर आ गया, साहिल ने मैप में देखा और 18 किलोमीटर है ना 18। हाँ तो चलिए हम लोग जाते हैं।
हाँ गाइस, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए मैं इधर रुका था और एक एल्टो लेके आके मेरे को पूछ रहे हैं बेलूगढ़ का रास्ता किधर है। मैं भी मैप में देखा था स्टडी, मैं बोल दिया, तो इसी वजह से आप लोगों को पूछना नहीं पड़े, तो इसी वजह से हम मैंने ये रास्ता को शूट कर लेता हूँ। अभी सोचा हाईवे से मत जाना पड़ेगा, एक कच्चा रास्ता है ना, इस कच्चा रास्ते से जाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इधर रुका है, इस कच्चे रास्ते से जाएंगे अभी, तो चलिए हम लोग जाते हैं अभी। गाइस अभी हम लोग आगे देखो, ये देखो इधर कार्बी आंगलोंग ऑटोमोस काउंसिल लिखा हुआ है और ये डिक ग्रुप टी पिकनिक स्पॉट। तो इधर टाइमिंग भी दिया हुआ है 6 सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक है, इसके बाद आओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इधर वो कुछ मतलब वो है, तो अगर 2 व्हीलर लेके आओगे तो आपको 50 रुपीज़ मतलब टिकट खरीदना पड़ेगा, अगर 3 व्हीलर ला सकते हो तो 100 रुपीज़ मिले मतलब टिकट लेना पड़ेगा, अगर 4 व्हीलर लाओगे तो 150 रुपीज़ मिलेगा और 6 व्हीलर लाओगे तो 200 रुपया, और एक इंसान अगर अंदर जाओगे तो 20 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, तो अभी चलो अंदर जाके दिखाता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलो, तो देखो गाइस वो लोग भी आ गए। गाइस ये देखो टिकट, ये हमने टिकट काट लिया, 2 बाइक ये 2 व्हीलर 2 लाया तो 180 रुपीज़ लिया, एक इंसान का पर पर्सन का 20 रुपीज़ करके लेता है और बाइक का 50, तो 50-50 और 20-20 करके 4, तो 180 हो गया। तो इधर पूरा वो लिखा हुआ है। वो सामने देखिए, उस व्यू का भी हम लोग सामने से जाके कैप्चर करेंगे, तो चलिए हम लोग अभी जाते हैं उधर। तो गाइस आप लोग जब उधर गेट से आओगे ना, तब तो इधर आ पाओगे, ठीक है। इधर आके तो आप लोग डरना मत, कि ये मत सोचना कि कहाँ आ गए हम लोग, ये मत सोचना। वो इधर से एक रास्ता मिलेगा, ऊपर चले जाना, तो ऊपर जो हम लोगों ने दिखाया वो मेन जगह ऊपर से है, तो आप लोग ऊपर सीधा चले जाना, ऑटोमेटिक आप लोग दिख जाएगा वो जगह, तो आप लोग दिख सके वो। अब चाहे जिंदगी गाइस ये देखो गाइस कितना मस्त है, ऊपर जाते हैं गाइस, वो पानी का जो ड्रॉप होता है ना वो यहाँ तक आ रहा है हमारा। আমার ইয়াত আহি ইমান ধুনিয়া লাগিছে কি ইয়াত মানে কবলগীয়া জায়গা নাই আৰু, ইমান ধুনিয়া ওয়াটারফল আহি আপুনি চাব পাৰে, ইমান ধুনিয়া আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমত এটা ওয়াটারফল আছে, আপুনি আহক এবাৰ, আহি ভাল পাব। বেস্ট ওয়াটারফল, বেস্ট ওয়াটারফল, তা মস্ত দেখো, আও জরুর আও। তো গাইস মে তো শুট করতে গেলে আয়া, ज्यादातर हो जाएगा आदमी লোক है इधर, मेरा दोस्त लोग ही है, जान पहचान है इधर। आओ आप लोग इधर आके एंजॉय करो, और बहुत मस्त है, मतलब नज़दीक में इतना मस्त वाटरफॉल, मतलब मेघालय में जैसा है सेम मेघालय का जैसा है। आप लोग आइए इस जगह को एंजॉय करिए। साहिल लोग इधर पानी में मतलब नहाने के लिए गया था, तो बहुत ज़्यादा तेज पानी है ना उसका लहर, तो इसकी वजह से वो लोग मतलब बोल रहे इधर मत नहाओ। तो गाइस हम नहाने गए थे, वो लोग नहाने नहीं दिया मुझे यार। मैंने दिखाया था ना साहिल लोग नहाने के लिए गया, तो वो लोग नहाने के लिए नहीं दिया, तो उन लोग को पूछ लेते हैं क्या होता है इधर। आपने गादू नहीं दिले यार, मैंने
এইটো পানী 100 to 100 স্পীড গৈ আছে, যে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে আমিও ৰিক্স। এইটো কাৰণে য'ত ইয়াত বেলঘাট আহক, কাংচি লাংচত যাওক, লাংবুকু যাওক, যোনে ইয়াত থাকে তাৰ কথা মানিব লাগিব, তো আপোনাৰ ছেফটি হ'ব। এইটোৱে আৰু गाइस, ये लोग बोल रहे हैं कि इधर वो जो पानी आ रहा है ना वाटरफॉल से, वो 100 स्पीड से आ रहा है, इसीलिए वो थोड़ी भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर थोड़ा भी अगर उधर चले गए तो वो पानी डायरेक्ट उधर से लेके जाएगा। तो वो लोग बोल रहे हैं अगर नहाने चाहो तो नीचे नहा सकते हैं हम लोग। आओ आप लोग, आके एंजॉय करो। वीडियो देख के कैसा लगा आप लोग बताइए। बहुत चीज़ दिखाएंगे, वाटरफॉल हम लोग दिखाते रहेंगे हर संडे संडे करके, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। और हम लोग डिस्क्रिप्शन पे पूरा डिटेल्स दे देंगे उस जगह का, एड्रेस का, तो आप लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो।